गाइस ये है टॉय ट्रेन और कुछ ही घंटों में हम इसका सफ़र करने वाले हैं और ये है कालका रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं अंदर, चलो अनुज। गाइस हम लोग का बैग चेकिंग हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 5 के पास, क्योंकि टॉय ट्रेन वहीं से चलती है और ये जो नॉर्मल ट्रेन होती है इसका गज छोटा बड़ा होता है और टॉय ट्रेन का गज छोटा होता है, तो उसके अलग से प्लेटफार्म और अलग से उसकी पटरियाँ हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दिस इज आयुष। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम अभी कालका रेलवे स्टेशन और हम लोग जा रहे हैं शिमला, हिमाचल प्रदेश। और पीछे जो आपको ट्रेन दिखाई दे रही है ये है टॉय ट्रेन और उधर बड़ी सब ट्रेन है नॉर्मल ट्रेन और इसका गज बहुत छोटा होता है। टॉय ट्रेन के बारे में आप जानते ही होंगे और हम लोग चलेंगे मस्त एकदम टॉय ट्रेन से पहाड़ों के वादियों से एकदम घूमते हुए। एक 100 प्लस हमको टनल मिलेंगे और 800 प्लस ब्रिज को क्रॉस करते हुए टॉय ट्रेन जाएगी। ये है, इसका नाम है कालका शिमला कालका एक्सप्रेस टॉय ट्रेन है और अभी हम लोग प्लेटफार्म नंबर 5 पे हैं और प्लेटफार्म टिकट ले लिए हैं और कुछ घंटे बाद ये ट्रेन ओपन हो जाएगा 3:30 के आसपास और इसके 12 बजे के बाद टिकट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग जनरल में चलेंगे क्योंकि भाई साहब इसके टिकट हमेशा फुल हो जाते हैं और 50 रुपीज़ का टिकट प्राइस होगा। अब कुछ ही देर में अनुज जाएंगे, अनुज भाई साहब यहाँ बैठे हैं। दिया 100 रुपीज़ दो लोगों के, एक आदमी को 50 रुपये और टिकट आ गया है। अब 3:30 पे मॉर्निंग में ट्रेन चलेगा और अभी बज रहे हैं 12:15, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना है। तो सोच रहे हैं कि अपना जब टिकट ले लिए हैं, ट्रेन रेडी हो ही गया है, मस्त अपने सीट पे जाएंगे और बैठेंगे। कुछ ऐसा ट्रेन है हम लोग का, ये जनरल बोगी भाई साहब। गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और एकदम क्या प्यारा व्यू आ रहा है। अभी हम रुके हैं बडोर रेलवे स्टेशन पे, सभी लोग चाय वाय पी रहे हैं, लेकिन हम लोग का ये जो डोर है ये लॉक हो गया है, नहीं पता उसके बाद ओपन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए अंदर बैठे हैं। Temple, I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential.
गाइस फाइनली हम लोग शिमला पहुंच गए और अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ। और ये अपना टॉय ट्रेन, इसी से आए हैं हम। और बहुत ही प्यारा नेचर है, एकदम ठंडा ठंडा भाई साहब, मज़ा आ गया। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर, 2-3 किलोमीटर जाना है और हालत ख़राब हो गया। इतना स्लोप रास्ता है कि मत पूछिए। आप तो पहाड़ के बारे में जानते ही होंगे, अगर मेरा पिछला वीडियो देखते होंगे तो। भाई साहब ट्रैकिंग करना एकदम हालत ख़राब हो जाता है, ऊपर से इतना हैवी बैग। ओ भाई साहब, हम लोग जा रहे हैं एक टेम्पल के पास, अभी जाएंगे कुछ दूर आगे जाएंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। गाइज ये देख लो कितना चढ़ना है, एकदम सीधे। हो हो हो, ऐसे ही अभी हम लोग ऊपर जाना है।